हेलो ऑल, IAS नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रिलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रिलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट UPSC इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रिलिम्स शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश श्रीमाल। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में 94th रैंक हासिल की है। टुडे आई वांट टू कवर अ टॉपिक अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ टू डू आंसर राइटिंग, बिकॉज ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर कोई एस्पायरेंट जो है वो फेस कर रहा है। सो आई वुड लाइक टू से कि कैसे आपको स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग। द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज़ व्हेन टू स्टार्ट। आई वुड से टुडे। अगर आपकी कोई एक टॉपिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, देन आई वुड से कि आप उस टॉपिक से स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग। बिकॉज इफ़ यू थिंक कि एक बार जब मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट की उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा, डेट डे वुड नेवर कम। बिकॉज UPSC इस तरह का एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस लास्ट तक के ख़त्म नहीं होता। आई वुड पर्सनली सजेस्ट, अगर आप कोई छोटे टॉपिक्स पिकअप किए हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ स्मॉल टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ स्मॉल टॉपिक, एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत स्मॉल टॉपिक है, आप सबसे पहले इसको पिकअप कीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखिए। सेकेंडली, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि आंसर्स लिखने कैसे हैं। फॉर दिस यू कैन लुक एट द टॉपर्स कॉपी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉपर्स कॉपी को ओपनली रिलीज़ करते हैं। इवन सम ऑफ द टॉपर्स आर रिलीजिंग देयर टेस्ट कॉपीज पब्लिकली इन टेलीग्राम और अदर चैनल्स। आप उनको देखिए कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, द वे ऑफ आंसरिंग। ये टॉपर्स कॉपी से आपको कंटेंट नहीं निकालना है, मे बी एक दो कंटेंट इससे अच्छा मिल जाए, कुछ डेटा मिल जाए, द वे ऑफ आंसरिंग कंक्लूजन मिल जाए, यू कैन पिक अप। लेकिन द मेन मोटो ऑफ लुकिंग एट द टॉपर्स कॉपी इज़ टू अंडरस्टैंड कि आंसर लिखना कैसे है, कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं आंसर्स के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तीनों में आपको अलग अलग तरीके से मेहनत करनी है। जब आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सी कोई टॉपिक है, अगर पॉलिटी का टॉपिक है, लास्ट ईयर एक स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आया था, सो व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, डेटा के थ्रू हो सकता है, या एग्जाम्पल के थ्रू हो सकता है, और इट कैन बी एनीथिंग डेफिनेशन। अगर स्पीकर की बात करें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, यू कैन राइट कि कर्नाटक के स्पीकर के कुछ एक्शन के कारण जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था उससे रिलेटेड एक कॉन्टेक्चुअल आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स में अगर एथिक्स एंड वैल्यूज़ का एक क्वेश्चन था, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एंड डेट विल सेव टाइम वाइल यू राइट द एक्चुअल आंसर। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिक्कत ये भी होती है कि जब आप आंसर लिखते हैं इनिशियली, मे बी यू वुड बी टेकिंग 20 to 25 मिनट्स, इट्स ओके, मैंने भी लिया था, और आपको ये भी लग रहा होगा कि आप बहुत ख़राब आंसर लिख रहे हैं, और उसके बाद आप बंद कर देते हैं कि नहीं, आंसर्स अब नहीं लिखते, पहले मैं कुछ पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ उसके बाद मैं आंसर लिखना चालू करूँगा। ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। मे बी फर्स्ट आंसर विल टेक 25 मिनट्स, सेकेंड आंसर वुड टेक 22 मिनट्स, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी राइटिंग आंसर्स इन 12 to 13 मिनट्स, विच इज़ ओके। एट द एंड यू हैव टू राइट इन जस्ट 11 मिनट्स, तो अब 2 मिनट बस कम करना है। जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं, योर स्पीड्स आर डेफिनेटली इंक्रीजिंग, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विथ रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ द आंसर यू आर राइटिंग, पहला आंसर खराब होगा, कोई इशू नहीं है, आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू। अगर आप आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, अगर GS मेंस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो पीयर ग्रुप होगा उसको आप एक्सटेंसिवली यूज़ करें। इन माई केस पीयर ग्रुप वॉज द मेन थिंग। जब हम 3 लोगों ने प्रिपरेशन की थी, एंड दैट डिक्रीजेज योर एफर्ट्स बाय 33%, मतलब आपको सिर्फ 33% एफर्ट्स लगाने हैं, एंड एट द एंड द रिजल्ट्स आर मैक्सिमम। चूंकि मेरे पास टाइम कम था, दिस वाज माय फर्स्ट प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट, मैंने एक अटेम्प्ट 2019 में दिया था, 2020 में मैंने प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट दिया, तो मेरे पास टाइम कम था। लेकिन जब मैंने एक ग्रुप के साथ प्रिपरेशन की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो मैंने एक आंसर लिखा, उसने भी वो आंसर लिखा, हम डिस्कस कर लिए। हो सकते हैं मेरे पॉइंट्स 4 अलग होंगे, उनके 4 पॉइंट्स अलग होंगे, एंड व्हेन वी मिक्स इट वी हैव एन आंसर वेयर वी कैन राइट 8 पॉइंट्स, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो इस तरह से आप इम्प्रोवाइज़ करते जा सकते हैं। डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, खासकर GS मेंस में और इंटरव्यू के टाइम पे भी। इनफैक्ट आई वुड से कि इस डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ UPSC। डिस्कशन से आप अपने होराइजन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई ग्रुप देर वॉज पर्सन विथ कॉमर्स बैकग्राउंड, द अदर वॉज पर्सन विथ ऑप्शनल केमिस्ट्री।
सो इससे आपका जो हॉराइजन है वो इंक्रीज होगा, द वे ऑफ आंसर राइटिंग विल इम्प्रूव, और डेफिनेटली सबके सोचने के तरीके अलग होते हैं तो सबका कंटेंट भी अलग होगा. इससे आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं एंड बाय द एंड ऑफ वन और टू मंथ्स यू विल सी कि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं इवन इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ द टॉपर्स. तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटजी यू मस्ट फॉलो. सेकेंड विथ रिगार्ड टू द सिलेबस, द नोट्स, हाउ टू डू नोट्स मेकिंग फॉर मेन्स. सो इसमें भी मैंने पीयर ग्रुप को एक्सटेंसिवली यूज़ किया था. जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉपिक्स इन सोसाइटी और इन GS3 मे बी, सो वो टॉपिक्स जब आपका दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू जस्ट हैव टू रीड दैट, आपके एफर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं एंड बाई दिस वे यू कैन इंक्रीज द ओवरऑल टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन. क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट आई हैव यूज्ड एंड दैट वर्क फॉर मी, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास एक पीयर ग्रुप होगा. आंसर राइटिंग जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जनवरी फरवरी तक के आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखना, बिकॉज अगर वो स्ट्रीम छूट जाता है तब प्री के बाद उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है. एंड वॉट एवर आई डिड, जो भी मैंने आपको बताया, आई थिंक दैट वर्क वेल फॉर मी बिकॉज माई स्कोर्स ऑफ GS मीन्स इज़ क्वाइट अबोव एवरेज, आई वुड लाइक टू से सो. ऐसे में मैंने 128 स्कोर किया इन GS1, 103 इन GS2, 107, 93 फॉर GS3 एंड 117 और 117 फॉर GS4. हेलो ऑल, IAS नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं. इसी ट्रेंड को आगे करते हुए, स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट UPSC इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है. सो अपनी प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो. सो दिस इज़ अबो एवरेज स्कोर एंड आई बिलीव कि अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसमें आप आंसर राइटिंग डे वन से स्टार्ट कर दिए, आपने डिस्कशन करके उसको इम्प्रोवाइजेशन किया एंड फाइनली आप उस पर एड ऑन करेंगे आफ्टर प्री और मे बी बिफोर प्री, तब आपके GS के स्कोर इम्प्रोवाइज हो सकते हैं. लास्टली आई वुड लाइक टू से कि किस तरह से इम्प्रोवाइज किया जाए अपने आंसर्स को, ये एक बहुत पेक्यूलर प्रॉब्लम है. सो आई वुड टेल यू टू डू 4 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ डेटा, मे बी इन इंट्रोडक्शन और द बॉडी पार्ट, यूज़ डेटा एक्सटेंसिवली. प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स फॉर टॉपिक वाइज. फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, एक कंसिस्टेंट टॉपिक है, हर साल आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन इन सम वे और द अदर इट इज़ कमिंग इन GS3. तो यू कैन प्रिपेयर अ डायग्राम ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट. थर्ड वुड बी एग्जाम्पल्स, कलेक्ट एग्जाम्पल्स मैक्सिमम. आप ये करंट अफेयर से कर सकते हैं, मे बी न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मंथली मैगजीन्स एट्सेट्रा. तो ये करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कीजिए जिसके थ्रू आप एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं. एंड लास्टली द फोर्थ एंड फाइनल थिंग वुड बी द फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट से यू कैन स्ट्रीमलाइन योर आंसर, जिससे जो एग्जामिनर है ही वुड अंडरस्टैंड कि आपके पास एक आइडिया है विच यू कैन रिफ्लेक्ट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन मेन्स आंसर राइटिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर टाइम फॉर GS मेन्स प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.